फाइनली iOS 18 पब्लिक के लिए अवेलेबल हो चुका है और iOS 18 में भर भर के नए फीचर्स हैं और सारे फीचर्स एक से बढ़कर एक है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला फीचर है, अब आप लोग आईफोन में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो या तो उसे हाइड भी कर सकते हो। तो इसका यूज करने के लिए सिंपली आपको जिस भी ऐप को लॉक करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्वायर्ड फेस आईडी का। उसके बाद आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएंगे, रिक्वायर्ड फेस आईडी और एक हाइड का। तो अगर आप लोग रिक्वायर्ड फेस आईडी करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉक होगा, लेकिन अगर आप लोग हाइड करना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। एंड यहाँ पे आपको फिर से एक कंफर्मेशन आएगा क्या इसे आप लोग हाइड करना चाहते हो। अगर आप लोग इसे हाइड करोगे तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सब भी बंद हो जाएगा। नीचे आपको हाइड ऐप पे फिर से क्लिक करना है एंड ये ऐप अब आपका हाइड हो चुका है। अब इसे एक्सेस करने के लिए आपको जाना है ऐप लाइब्रेरी में सबसे नीचे और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड आपने जितने भी ऐप को हाइड करके रखा है वो सारे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है, अब आप लोग लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हो। तो पहले जो ये फ्लैश लाइट और यहाँ पे कैमरा का शॉर्टकट होता था, अब आप लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हो और इसके जगह पे आप लोग कुछ भी रख सकते हो, किसी ऐप को भी रख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली लॉक स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करना है, नीचे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देन लॉक स्क्रीन में जाना है और अब आपको नीचे यहाँ पे माइनस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले जो आइकन है उसको हटा दो एंड अब आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है ओपन ऐप का, अगर आप लोग इसे सिलेक्ट करते हो देन आपको ऐप चूज करना है। देन यहाँ से आपको ऐप को चूज करना है, आप लोग किस ऐप को ओपन करना चाहते हो। मैं यहाँ से YouTube सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हो मेरे होम स्क्रीन पे YouTube आ चुका है। मैं जैसे ही इसे टैप एंड होल्ड करता हूँ YouTube ऐप ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप लोग किस चीज़ को होम पेज पे रख सकते हो। तो आप लोग यहाँ से Instagram, WhatsApp या Snapchat जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। नेक्स्ट फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का। तो अब आप लोग आईफोन में किसी के कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉल आया है या आपने किसी को कॉल किया है तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कि किसी को नहीं पसंद आएगा वो है कॉल अनाउंसमेंट। तो अगर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है और ये कॉल रिकॉर्डिंग आपके फाइल्स या वॉइस मेमो ऐप में नहीं जाता है बल्कि नोट्स ऐप में जाता है। और अगर आप लोग इस पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको सेव ऑडियो टू फाइल्स और शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर है, अब आप लोग आई मैसेज में मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। मतलब कि अगर किसी को आपको बर्थडे विश करना है और आपको नींद आ रही है, मैसेज को शेड्यूल कर दो 12 बजे के लिए एंड सो जाओ। यहीं पे नेक्स्ट है, अगर आप लोग आई मैसेज भी जाते हो और यहाँ से कुछ भी टाइप करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक का एक आइकन देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इतने सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स आ जाते हैं और आप लोग देख सकते हो ये कितने ही ज्यादा कूल है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके सामने वाले को सेंड कर सकते हो एंड उसे भी ये सेम इफेक्ट दिखेगा। और अगर आप लोग यहाँ से कोई भी मैसेज को लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपके सामने यहाँ पे रिएक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन के सारे ऑप्शन है और यहाँ पे इमोजी बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग कोई भी इमोजी सेलेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर यहाँ से आप लोग कुछ भी टाइप करते हो और सेंड बटन पे होल्ड करते हो तो आपके सामने इतने सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं और आप लोग देख सकते हो ये कितने ही ज्यादा तगड़े हैं। और अगर आप लोग यहाँ से स्क्रीन में जाते हो तब तो और भी ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ से आप लोग सारे इफेक्ट्स को देख सकते हो और आपको जो पसंद है आप लोग बस सेलेक्ट करो, सेंड करो एंड सामने वाले को भी सेम इफेक्ट देगा विद साउंड इफेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं तो जाके सबको ट्राई करना। नेक्स्ट फीचर है, अब आप लोग होम स्क्रीन पे ऐप्स को जहाँ मूव करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो, जो कि पहले आप नहीं कर पाते थे। ऊपर में आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप लोग एडिट में जाते हो देन कस्टमाइज में जाते हो तो यहाँ पे आप लोग अपने आइकन को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो स्मॉल और लार्ज में, अगर आप लोग लार्ज पे क्लिक करते हो तो आपका आइकन बड़ा हो जाएगा और आपके आइकन का जो नेम है वो गायब हो जाएगा, और अगर स्मॉल यूज करते हो तो नेम शो करेगा और आइकन छोटा हो जाएगा। और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लाइट, डार्क, ऑटोमेटिक एंड देन है टिंटेड का। तो अगर आप लोग टिंटेड में जाते हो तो यहाँ से आप लोग कलर चूज कर सकते हो, आप लोग आइकन को कैसा रखना चाहते हो और उस हिसाब से खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको कंट्रोल सेंटर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टॉप पे दो बटन देखने को मिलते हैं, एक पावर बटन, अगर आप लोग इसे होल्ड करोगे तो यहाँ से आप लोग अपने फोन को ऑफ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है प्लस का, अगर आप लोग इस पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे अगर आप लोग किसी खाली जगह पे भी होल्ड करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा एंड नीचे आपको यहाँ पे एक ऐड बटन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने इतने सारे बटन्स हैं, इसमें से जो भी आपके काम का है उसे आप लोग कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको टैब भी देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहला है फेवरेट्स का, देन है नेटवर्क का, उसके बाद है म्यूजिक का एंड यहाँ पे मोड का। तो यहाँ पे आप लोग हर एक टैब को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, मुझे ऐड ए कंट्रोल पर क्लिक करना है, मुझे यहाँ से जो भी ऐड करना है मुझे ऐड ए कंट्रोल पर क्लिक करना है एंड यहाँ से मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप लोग रिसाइज वगैरह भी कर सकते हो आराम से। तो नेक्स्ट है आपका न्यू फोटोज ऐप। तो मे बी आप लोगों ने फोटोज ऐप यूज किया होगा और आपको लग रहा हो कि हाँ ये क्या ही क्लटर है, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन अगर आप लोग सबसे नीचे आते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो भी आपके काम का नहीं है उसे आप लोग अनटिक कर सकते हो ताकि वो होम में ना दिखे। और यहाँ से आप लोग इसे रीऑर्डर भी कर सकते हो, तो जिसे आपको ऊपर रखना है या नीचे रखना है वो आप लोग कर सकते हो। और अब आप लोग देख सकते हो अगर मैं फोटोज ऐप के होम में जाता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लीन दिख रहा है, मैंने सिर्फ दो ही चीज़ रखा है, शेयर्ड एल्बम और यूटिलिटीज। और आप चाहो तो इन दोनों को भी हाइड कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोटोज देखेगा होम पेज पे। नेक्स्ट नया फीचर है, अब अगर आप लोग रिमाइंडर में कुछ भी ऐड करते हो तो वो आपके कैलेंडर में भी शो करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से लिखा एडिटिंग वीडियो और ये मैंने कैलेंडर ओपन किया, आप लोग देख सकते हो आज के डेट पे
ये शो कर रहा है एडिटिंग वीडियो, एंड अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इस टास्क को कंप्लीट भी कर सकता हूँ। मुझे सिंपली इसे ओपन करना है, और यहाँ से अगर आप लोग इसे टिक कर देते हो तो ये रिमाइंडर में भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं रिमाइंडर ऐप ओपन करता हूँ तो ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आप लोग रिमाइंडर में कुछ भी ऐड करते हो तो जिस डेट पे डालोगे कैलेंडर ऐप में भी उसी डेट पे शो करेगा। और अगर आप लोग सफारी ऐप को ओपन करते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी पेज पे, आपको नीचे यहाँ पे एक आइकन देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक ऑप्शन होगा हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम, आपको इस पे क्लिक करना है। और अब आप लोग देख सकते हो अगर मैं किसी भी चीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है हाइड का, तो इस पे मैं क्लिक करके इसे हाइड कर सकता हूँ। तो चाहे मुझे इस मेनू बार को क्यों ना हाइड करना हो, मैं हर एक चीज को हाइड कर सकता हूँ। तो अब से आप लोग अगर कोई ऐड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कुछ भी, तो आप लोग उसे हाइड कर सकते हो एंड पेज को क्लीन कर सकते हो। या लाइक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग सब डिस्ट्रैक्टिंग आइटम को हटा दो एंड जिस पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हो। तो ये थे आईफोन के कुछ नए फीचर्स, लेकिन अगर आपको आईफोन के हिडन गेस्चर्स के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो।